सूर्य साधना बेहद अद्भुत साधना है, लेकिन सूर्य साधना के बहुत से छोटे छोटे नियम होते हैं। जब आप अपने गुरु के सानिध्य में बैठकर इन छोटे छोटे नियमों को जान जाते हैं तो सूर्य साधना के बहुत से भेदों को आप स्वयं ही जानने लग जाते हैं। तो मैं पहले एक छोटा सा भेद आपको बताता हूं। सूर्य के साथ ज्योतिष शास्त्र को जोड़ा गया है और पूरी दुनिया में जो ज्योतिष है उसके मध्य में यदि कोई चीज है तो वो है सूर्य। सूर्य का सिद्धांत है, सौर गणनाएं हैं और ज्योतिष के साथ, गणित के साथ सूर्य का बहुत गहरा नाता है। इसीलिए प्राचीन काल से ही सूर्य साधना में गणित का और ज्योतिष का भरपूर इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन आखिर गणित की और इस ज्योतिष शास्त्र की सूर्य साधना में आवश्यकता क्यों पड़ी? तो इसका एक छोटा सा कारण है, और वो कारण है कि पृथ्वी इतनी बड़ी है, इस पृथ्वी पर अनेक द्वीप, उपद्वीप, महाद्वीप हैं, अनेकों देश, परिस्थितियां और वहां का अलग अलग वातावरण है। तो एक योगी को हमेशा अपनी साधनाओं को संपन्न करने से पूर्व देश, काल और परिस्थिति, इनको हमेशा अपने ध्यान में रखना चाहिए। तब वो अपनी साधना को सही तरीके से और एक एक उसके चरण को बिना किसी गलती के संपन्न कर पाता है। तो कैसी होगी साधना? अब उदाहरण, जब मैं भारत में रहा तब मैंने भारत में आपको बहुत सी साधनाएं करवाई, भारत से साधनाएं करवाई। अब आज जब मैं भारत से बाहर स्वीडन में हूं, स्टॉकहोम में अभी मैं हूं, तो यहां पर सूर्य साधना को करने से पूर्व मैं जिस चीज का अध्ययन कर रहा हूं वह है यहां का वातावरण। यहां की वनस्पतियां थोड़ी सी अलग है, यहां की वायु थोड़ी सी अलग है, यहां का देश अलग है और यहां सूर्य की किरणें जिस तरह से आती हैं उनकी गति और उनकी तेजस्विता अलग है। और भारत में भी ऐसा ही है, भारत में जहां श्रीनगर में अलग है और दिल्ली में अलग, बिल्कुल अलग है, नागपुर में बिल्कुल अलग है और नीचे मुंबई, महाराष्ट्र में और नीचे पांडिचेरी और केरला में बिल्कुल अलग से है। तो ठीक वैसी पूरी दुनिया है, यहां अमेरिका में अलग, फ्रांस डेनमार्क में अलग और उस तरफ जापान में अलग। तो एक एक चीजों को जब आप गौर से देखते हैं तो सूर्य का ये सिद्धांत समझना जटिल हो जाता है। इसलिए आपको जरा सी गणित की जानकारी होनी चाहिए और गणित का सूर्य के साथ क्या संबंध है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको सूर्य सिद्धांत और इसके गणित और इसके विषय में और भी आगे बताता रहूंगा। अभी तो मैं स्वीडन में पहुंचा ही हूं, तो जल्दी जब मुझे समय मिलेगा मैं थोड़ा सा अंदर बाहर घूम लेता हूं, यहां की वनस्पति और जलवायु को देखता हूं, तो आपको बाहर से भी सूर्य के सिद्धांत और वातावरण का क्या संबंध है ये बताना शुरू करूंगा। तब तक ओम सम सिद्धाय नमः, ओम सम सूर्याय नमः, इन दोनों मंत्रों का जाप प्रारंभ कर दीजिए तो सूर्य साधना में अवश्य आप आगे बढ़ पाएंगे। अभी सूर्य साधना की इस रहस्य में इतना ही, जल्दी लौटता हूं। प्रणाम, ओम नमः शिवाय।